तो पाकिस्तान भारत को दहलाने की कोशिश कर रहा है और कंगाली की कगार पर खुद खड़ा हुआ है पाकिस्तान, जिसे प्रधानमंत्री मोदी याद आ रहे हैं। पाकिस्तान में मोदी का 3 साल पुराना बयान खूब वायरल हो रहा है। कंगाली के बीच पाकिस्तान में मोदी की तारीफ की जा रही है। पाकिस्तान से बड़ी खबर यह है कि हिंदुस्तान से बातचीत के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 सेकंड का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बातें 2019 में कह रहे थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आज उसे खुलेआम कबूल कर रहे हैं। मोदी का जो वायरल वीडियो है उसको लेकर पाकिस्तान में किस कदर की खलबली है, इसका अंदाजा पाकिस्तानी पत्रकार इरशाद भट्टी के इस बयान से लगाया जा सकता है, जिसमें वो लिख रहे हैं कि जब दुश्मन मजाक उड़ाए और आदर ना दे तो जिंदा रहने से ज्यादा अच्छा मर जाना होता है। 13 जनवरी को पाकिस्तान के राजनीतिक और रक्षा एक्सपर्ट शहबाज चौधरी ने पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ब्रांड बनाया है, इससे पहले ऐसा कोई नहीं कर पाया था। इस वक्त भारत जो महसूस करता है वो करता है और उस हद तक जाता है। हम एक भ्रम में रहते हैं और हकीकत से काफी दूर है। इस वक्त रूस और अमेरिका दोनों महाशक्ति भारत को अपना सहयोगी बता रहे हैं। क्या यह राजनयिक तख्तापलट नहीं है? इससे पता चलता है कि भारत कितना प्रासंगिक है। भारत आज पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक है। इस लेख पर टिप्पणी करते हुए पाकिस्तान के कई बड़े पत्रकार इस बात के हिमायती हैं कि भारत से रिश्ते सुधरने चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।